अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो हम लोग ढाबे में जाकर जो एग करी खाते हैं ना, सेम वैसे ही एक एग की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और उसका ग्रेवी भी बिल्कुल ढाबे स्टाइल है, तो इसको आप घर में इजीली कैसे बना सकते हो तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सो अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ अंडा को बॉईल करके रख दिया कुछ इस तरह से, और दूसरी साइड में ले रही हूँ 2 टमाटर, 2 ग्रीन चिल्ली और 3 गार्लिक के क्यूब्स। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक मिक्सर जार में टमाटर को काट के डालूँगी और ग्रीन चिल्ली और गार्लिक को डाल के एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो सब कुछ मैंने जार में डाल दिया और उसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो अभी मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया। नेक्स्ट मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अंडों को पहले फ्राई कर लूँगी, और ऑयल डालने के बाद अंडों को मैंने डाल दिया और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल दिया, तो उसके साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, और उसको डालने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स करके उनको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो एकदम गोल्डन करके मैं फ्राई कर लूँगी अंडों को। सो यहाँ पे हमारा अंडा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो उसको मैं एक प्लेटर में निकाल लूँगी। सो अंडों को मैंने निकाल लिया एक प्लेटर में, और उसी कढ़ाई में फिर से मैं ऑयल डालूँगी। करीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ में डालूँगी 2 करी पत्ता। तो उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने इस तरह से एकदम बारीक चॉप कर लिया। तो देखिए एकदम बारीक ही चॉप किया, तो उसको मैं अभी डाल दिया। प्याज को मैं अच्छी तरह से ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। तो गैस की फ्लेम को मैं हाई ही रखा, तो हाई हीट में अच्छी तरह से चम्मच को चलाकर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा हाई हीट में। अच्छी तरह से प्याज ब्राउन हो गया, तो इसमें डालूंगी टमाटर, ग्रीन चिल्ली और जो गार्लिक का पेस्ट हमने रेडी कर लिया वही डाल दूंगी। तो थोड़ा सा पानी से वॉश करके डाल दूंगी, तो मैंने गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग कोशिश करना गर्म पानी डालें। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और अभी मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी इस रेसिपी का सीक्रेट मसाला, किचन किंग मसाला। तो वो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और साथ में डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून देगी मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और साथ में डालूंगी 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और लास्ट में डालूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। और सब मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी। गरम पानी डाल दिया अभी, तो उसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया, और अभी 5 मिनट हो गया, तो मैं ढक्कन को खोल दूँगी। और देखिए मेरा ग्रेवी जो है वो एकदम बढ़िया कलर आया है, तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ग्रेवी को। तो अभी अच्छी तरह से मैंने भून लिया ग्रेवी को, और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आप पतला रखना चाहते हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन मैं दबकी स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा थिक रखना चाहती हूँ, तो मैं पानी थोड़ा कम ही डालूँगी। और अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया पानी को मसालों के साथ, और अभी मैं एक उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी, और जब एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें अंडों को डाल दूंगी। तो यहाँ पे उबाल आ गया, तो अभी मैं अंडों को डाल दूंगी, और अंडों को मैंने इस तरह से काट लिया, और अभी मैं अंडों को डाल दूंगी। तो अभी अंडा डाल दिया मैंने, और उसी स्टेज पे मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून क्रीम। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, तो मैं थोड़ा सा रिच बनाना चाहती हूँ, तो मैंने क्रीम डाल दिया, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और लास्ट में इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो आप चाहे तो कसूरी मेथी
डाल सकते हो। और अभी मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करूंगी और डिश आउट कर लूंगी। डिश आउट होने के बाद ये एकदम वाव ही लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया और कितना सुंदर कलर आया है, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तो थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज और साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल दिया और साथ में डाल दिया ग्रीन चिल्ली को काट के। और यहाँ पे रेडी हो गया हमारा एग करी, जो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।